ये डॉक्टर है जी जो इमरजेंसी के यहाँ पे चार्ज थोड़ा सा बताएं कि कितने मरीज आपके पास डेली आते हैं, आपके पास इनफ बेड्स हैं, पेशेंट कितने कितने हैं आपके दिन में आपके? बेड से ज्यादा पेशेंट कितने टोटल बेड्स हैं आपके? सात साल एक और है सर, चार कमरा है, तीन से 400 के दरमियान टिपिकल बेड लोड है, पेशेंट लोड है। आप किसके साथ आएंगे, क्या हुआ है? क्या पहले मिलकर दौरे डॉक्टर साहब को उसके बाद इनको में जा वार्ड के बारे में हमारी ये ईआर है और इसमें हर बेड पे तीन तीन चार चार बच्चे होते हैं, मतलब अक्सर ये रूटीन है। और समटाइम ये होता है कि हम बच्चे को रिहाइड्रेट करते हैं, बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, चार चार बच्चे इधर वेट कर आ रहे होते हैं कि ये कोई रिहाइड्रेट हो जाए, मतलब बहुत ओवरलोड हो गया। और हमारे पास स्टाफ है, मतलब पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, पेशेंट्स आपके रेफर होके आते हैं डिस्ट्रिक्ट से भी, या ये मेन है ये पीडियाट्रिक इमरजेंसी सर, यहाँ ये एक तो अपना डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट घेरा तक जाता है, वहाँ से आते हैं पेशेंट आपने। इसके अलावा सर खुशाब के आते हैं, मियाँ वाली के आते हैं, यहाँ से आते हैं मियाँ वाली तक से, यहाँ से इधर से हाँ डिस्ट्रिक्ट जेलर का साथ जो तहसील पिंडारा खान है वहाँ के पेशेंट भी। कितनी आपकी कैचमेंट पॉपुलेशन है अंदाजन? 38 तो सर की अपनी है सर, प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर है ना, टर्शियरी केयर ही है, टर्शियरी केयर है।
ज्यादातर क्या पेट पेट का इशू किस तरह की किस तरह की कंप्लेंट तो डायरिया का इशू है तो इसलिए डिहाइड्रेशन के साथ बहुत आता है तो इसमें डायरिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल छोटी सी सर लेबोरेटरी बना दी है हर इसमें कोई स्टोर नहीं है मेडिकल स्टोर नहीं है कोई और स्टोर नहीं है आपकी चेन्नई पोजीशन थिएटर में के बारे में हमारी ये ईआर है और इसमें हर बेड पे तीन तीन चार चार बच्चे होते हैं मतलब अक्सर ये रूटीन है और समटाइम्स ये होता है कि हम बच्चे को रिहाइड्रेट करते हैं बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है चार चार बच्चे हैं इधर वेट पर आ रहे होते हैं कि ये कोई रिहाइड्रेट होता है मतलब बहुत ओवरलोड और हमारे पास स्टाफ है वहाँ से आते हैं इसके अलावा सर खुशाब के आते हैं मियाँ वाली के आते हैं यहाँ से मियाँ वाली तक से यहाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट जेलम का सर जो तहसील पिंडदारा खान है वहाँ के पेशेंट एरिया बहुत कितनी आपकी कैचमेंट पॉपुलेशन है अंदाजन 38 की अपनी है सर लेकिन हमारे पास सर प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर है ना टीसी के एरिया ही इसकी एक्सपेंशन की नहीं है खाली जगह है नहीं ये सर बिल्डिंग है आउटडोर उसमें इसी बिल्डिंग में बना दी है इंडोर इसी बिल्डिंग में बना दी है छोटी सी सर लेबोरेटरी बना दी है हर कमरा छोटा छोटा है सर इसमें कोई स्टोर नहीं है मेडिकल
हॉस्पिटल में या इस वक्त इनकी ड्यूटी पर हूँ सर। तो यहाँ पर इस हॉस्पिटल का इशू है, यहाँ पर इस जो है तहसील में सर दो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, एक सिटी हॉस्पिटल है, एक DHU है सर। ये पुराना हॉस्पिटल है वो नया बना, इसलिए जैसे वर्कलोड है सर, आप जानते हैं जैसे सेंट्रल हॉस्पिटल है BBH, वहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, ठीक है ना, मेन रोड पर है सर। ये अंदर सर मैं पिंडी की मिसाल दे रही हूँ, कितना बेड है जो दूसरा है? 20 बेड है, 60 इधर नहीं आते सर। यहाँ पर इसकी लोकेशन का मसला है सर, ये बहुत शहर से हटके इसका रास्ता बहुत खराब है, कितना डिस्टेंस है, बहुत खराब है सर इसका रास्ता, यहाँ पे रोड जो है ना सर वो देखिए, ये पुराना है और वो नया बना है सर। वहाँ पर अच्छा वर्कलोड है, वहाँ पेशेंट का आउटपुट भी अच्छा है, वहाँ डॉक्टर भी सर, सिर्फ 20 बेड है वहाँ पे सर। यहाँ पर डॉक्टर्स हैं सब कुछ है, लेकिन सर यहाँ पर पेशेंट के आने का बहुत प्रॉब्लम है सर, वो आ नहीं सकता, अप्रोच नहीं करता सर यहाँ पर पेशेंट, इतना खराब है। और सर ये शहर से बाहर है, इस हॉस्पिटल के साथ कॉलोनी भी अटैच है, हालांकि वो रोड पर है, उसकी कॉलोनी भी कोई नहीं है, लेकिन सर अब ये दो THU ये सर अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं, लेकिन सर इसकी सिर्फ लोकेशन का इशू है। डॉक्टर्स और इसलिए वो मरीज नहीं आते। पुराना तलागंग का हॉस्पिटल था 20 बेडेड, उस वक्त प्लान हुआ कि भाई बड़ा बनाना चाहिए, तो 50 बेडेड, लेकिन लोकेशन अब वो सिटी के अंदर है तो लोग बस उधर ही आते हैं, तो डॉक्टर को नहीं आते। अगर डॉक्टर कर दें तो फिर मैं इंशाल्लाह क्या हुआ कब से ये वही हुआ होगा, ये कब से दाखिल है अभी? आप सिंजेस जो है वो ऑटो डिस्ट्रक्ट है आपके पास या हमारे पास मैनुअल है? कितने हॉस्पिटल बेड कितनी आप जरा आगे हैं, दूर से कैप्चर करना है ना सर। निकल गए हैं नेसेसरी की है आपके आदर पे, इतनी ग्राउंड नेसेसरी की है क्या मसला है? ये कर दिया इनका चकवाल है ना सर, लेकिन चकवाल क्यों भरा होता है? चकवाल खड़े खड़े ये है कि यहाँ पे दो हैं आपके PHU दो हैं, ये पुराना है और एक शहर में तो ये जो है इसमें हमारे पास 50 बेड और वहाँ पे तकरीबन 16 की जाएगी, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी और डॉक्टर्स जो है।